प्रदेश के बदायूं में राशन लेने के लिए धूप में 3 घंटे से लाइन में खड़ी एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जिले के थाना कुंवर गांव क्षेत्र के सलारपुर ब्लॉक स्थित प्रहलादपुर ग्राम निवासी मैकू अली की पत्नी शमीम बानो शुक्रवार दोपहर राशन की दुकान पर गई थी। बानो 3 घंटे तक चावल लेने के लिए लाइन में खड़ी रही, फिर भी उसका नंबर नहीं आ सका। उन्होंने बताया कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिरने के बाद बेहोश हो गई। उसने अस्पताल ले जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस मामले पर जिला अधिकारी बदायूं कुमार प्रशांत ने बताया कि उन्हें सलारपुर ब्लॉक क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव में राशन के लिए लाइन में लगी एक महिला की मौत की जानकारी प्राप्त हुई थी। एक अधिकारी को तत्काल मौके पर भेजा गया था। महिला की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। डीएम के आदेश पर जांच के घटनास्थल पर पहुंचे और जिला आपूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वह स्वयं मौके पर पहुंचे थे। उस समय राशन वितरण बंद हो चुका था। गांव वालों का कहना है कि महिला की मौत संभवतः दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मामले की जाँच चल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां अब तक आगरा में 24 केस, फिरोजाबाद में 11 और बिजनौर में 7 नए केस आने के बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 948 हो गई है। कल रात तक यह आंकड़ा 849 था। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में कल 1062 सैंपल टेस्ट के लिए गए, जिसमें से 98 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें राजधानी लखनऊ में शनिवार को 54 नए केस आने के बाद यहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 160 पहुंच गई है। इसी तरह से आगरा में भी आज 24 नए केस सामने आए हैं। वहीं फिरोजाबाद में 11 और बिजनौर में 7 और सीतापुर में 3 नए केस मिले हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.